अरे लोग इसके यार क्या भाई खरीदा है मेरी जान। रॉकेट वो भाई पूरा फटाफा छोड़ रहे हैं यार, क्या चीज है भाई यार। मैंने इसको नाले के गलती से क्या बवाल चीज है, प्रसिद्धा मिला देती है भाई साहब। तू अंदर डिवाइन भाई इतना गंदे पहुंच गया, कुछ नहीं हुआ यार कर दी। जब इसको चला रहा हूँ ना तो लग रहा है भाई कि ये अपने लिए सुपर बाइक है भाई, मिडिल क्लास बंदे के लिए। फुल दबाई बाइक है गाइस, क्या बाइक है भाई। कौन सा एग्जॉस्ट लगाया गया इस, बिना देखे आप लोग कमेंट करो। ओह भाई अब समझ में आ रहा है यार, सीरियसली इसको पॉकेट रॉकेट क्यों कहा जाता है भाई। से घर आ रहा था, बीच में सिटी पड़ता है भाई धर्मपुरा से, फिर जगदलपुर का जो मेन रोड है वो पड़ता है मेन सिटी। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लालबाग साइड, और इसमें जो है एक्राफोविक की एग्जॉस्ट लगी हुई है जो कि बिना डिफिकल्टर के है। तो समझ रहे हो भाई कितना ज़्यादा शोर हो रहा होगा। आप लोग को तो पता ही है कि यार कुछ बोल ही नहीं जा रही है भाई, आप लोग को तो पता ही है यार। इसकी जो है ना भाई कैमरे पे ज़्यादा साउंड रिकॉर्ड नहीं होती है, जो बेसी रहती है वो रिकॉर्ड नहीं होती है भाई। इसको चलाने के बाद मेरे को जो MD-15 का पावर लगाना भाई, बिल्कुल बच्चा वाला पावर लगा है। इसमें जो पावर मिल रही है ना, देख रहे हो सिक्स गियर, MD-15 में सिक्स गियर होगा और इसमें जो है फोर्थ गियर होगा, उस टाइप का पावर मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोग समझ जाओ भाई इसी से कि ये क्या चीज है। सेकंड गियर में वो भाई पूरा फटाफा छोड़ रहे है यार, क्या चीज है भाई यार। मैंने इसको नाले के गलती कर दी। जब इसको चला रहा हूँ ना तो लग रहा है भाई कि ये अपने लिए सुपर बाइक है भाई, मिडिल क्लास बंदे के लिए। फुल तबाही बाइक है गाइस, सीरियसली बोल रहा हूँ फुल तबाही। इसको भगाने के लिए ना मेरी जान प्रॉपर हाईवे चाहिए। ओवरटेक तो भाई ये इजीली कर देगी। आप इसको फर्स्ट गियर में ना भाई, मतलब तबाही चीज है, फर्स्ट गियर जो है कंट्रोल ही नहीं होगी। इसलिए मैं तीसरा चौथा चला रहा हूँ भाई, फर्स्ट गियर चला ही नहीं पा रहा। मेरे को पता है फर्स्ट गियर में जिस तरीके से मैं बाइक चलाता हूँ ना भाई, अगर ऐसा चलाया ना तो मेरी जाने पूरा पॉप अप हो जाएगी गाड़ी, और हो सकता है मेरे से कंट्रोल भी ना हो पाए। पास में जा रहा हूँ दी लग ली बीच ना भाई बोल रहा है कि इसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ भाई, थोड़ा भगाओ। देख रहे यार 390 के इतने सारे फैंस मिलते हैं ना कि क्या बताओ यार। पॉकेट रॉकेट किधर जाओगे? मैं इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा। कैसा था क्या मेरे को छोड़ देना हुआ था। इधर जाऊंगा, क्लास है। नहीं नहीं क्लास है मेरा, क्लास है सही में क्लास है। भाई खरीदा यार क्लास है मेरा, ठीक है चलता हूँ।
भाई इतने सारे लोग इसके यार, क्या बाइक खरीदा है मेरी जान भाई, ये बाइक मेरी आई नहीं मेरी जान, क्या बताओ यार, मैं खुद इसका बहुत बड़ा दीवाना हूँ भाई। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक ही वीडियो में आप लोग का दो बार स्वागत हो रहा है भाई। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैं कॉलेज से घर आते टाइम जो वीडियो स्टार्ट कर दिया था, ये मेरी फ्रेंड की बाइक लेके फिर घर गया, खाना वाना खाया और कपड़ा चेंज करके आ चुका हूँ आपके लिए फिर से ब्लॉग बनाने। तो ये रही गाइस वो बिस्ट अपने दोस्त की। तो गाइस आज हम लोग जाने वाले हैं ड्यूक 390 पे, एक रैंडम गर्ल से बात करेंगे भाई। अभी तक मेरे को कोई आइडिया नहीं है भाई, मेरे पास कोई कॉन्टेंट नहीं है, फिर भी मैं घर से निकल चुका हूँ आपके लिए ब्लॉग बनाने के लिए। तो चलो गाइस बाकी की बातें करते हैं अपन मोटो ब्लॉग के सेटअप में। लोग आ चुके भाई साहब, क्या था ये भाई, पूरा पॉप अप हो गया था यार। मैं बिल्ली से नहीं मार रहा हूँ क्योंकि मैंने ज्यादा 390 जो है राइड नहीं करी है भाई, बट पूरा पॉप अप हो गया था भाई, फुल पावर मेरी जान भाई। इस रोड पे इसको चलाना फुल थ्रॉटल देके इम्पॉसिबल भाई, इम्पॉसिबल है यार, इस रोड पे चलाना ही नहीं होगा गाड़ी को। बट इतना स्मूथ पॉप अप हो गया था ना भाई कि क्या बताओ यार। आप लोगों ने देखा भाई 103 चल दी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर आप लोग पोज करके वीडियो को देखना चाहो तो देख सकते हो भाई। तो ये रोड को थोड़ा जो है फिल्टर करते हैं, मतलब ट्रैफिक फिल्टर करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से। पूरे बंदे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं भाई कि गाड़ी ड्राइव कौन कर रहा है। रिएक्शन मिल रहे हैं जब ड्यूक 390 में एक्रोफोबिक डाल के चलाओगे ना भाई, तो रोड रिएक्शन इससे भी खतरनाक मिलने वाले हैं। एक मेरे पास मैक्सिमम 1 मंथ तक रहेगी ना भाई, तो फिर इसको भी अपन लोग रैप्टर की तरह चलाएंगे भाई। बंदा डर गया यार। भाई थोड़ा सा क्या एक्सीलेटर दिया, बंदा डर गया, सॉरी ब्रदर। देख रहा है भाई बंदा वहां से मुड़ के देख रहा है अपन को, भाई साहब अपने आप गिर रहे हैं भाई। क्या रिएक्शन भाई, इसकी आवाज से पूरा साइड हो जा रहे। बट ट्रैफिक अगर हम लोग को पकड़ी ना तो खसल हो जाएंगे हम लोग भाई। खतरनाक भाई साहब, क्या भवाई चीज है, मैं पूरा सिस्टम मिला देती है भाई। से ले रहा है 1 लीटर पूरा, यही तो बोलता है रॉकेट में से लोकेशन तो आप लोग को पता ही है भाई। तो चलो यार बस बाइक के फन करते हैं भाई, आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रही है भाई बाइक, ज्यादा एक्साइटेड में चला रहा हूँ लग रहा है। एबीएस ऑफ करके चलाते हैं हम लोग सुपर मोटो मोड में, तो भाई हम लोग कहाँ फिकाते हैं भाई, क्या यार पूरी रोड साइड आ जा मेरी जान। बस कर पगले, ठोकेगा क्या भाई। लोग हम लोग गलत टाइम पे जो है ब्लॉग शूट करने के लिए निकल गए। मेरे गांव साइड ना भाई इतना सा भी धूप नहीं था, लेकिन जगदलपुर अंदर देख रहे हो कितना ज्यादा धूप हो रहा है यार। तो भाई इतना ज्यादा हवा चल रही है भाई, नेक्स्ट लेवल यार। बस आपको रोड मिलेगी तो सिर्फ ये रोड खाली मिलेगी भाई चलाने लायक, उसके बाद जो है ना भाई आपको पूरा सिटी जो है भरा भरा सा लगेगा। बाबू से ज्यादा सोचे दोस्ती कर बैठे भाई, पॉकेट रॉकेट यार, बंदा कैसे ब्रेक मार रहा है। तो अभी अपन लोग जा रहे हैं पीजी कॉलेज साइड ड्यूक 390 का एंजॉयमेंट लेने के लिए। भाई का ना यार कि अपने आपको और बोलेगी कि यार मुझे किस, तो यहाँ पे जो है ना भाई पुलिस की गाड़ी है, इसके चलते अपन लोग धीरे चलाएंगे क्योंकि यार हम लोग फंसना नहीं चाहते भाई। भाई अच्छा खासा सोचते थे कि यहाँ पे हम लोग ब्लॉग बनाएंगे, बट यहाँ पे जो है ना पुलिस की गाड़ी आ गई थी, जिसके चलते हम लोग को जो है रोकना पड़ा खुद को भाई, खुद को कंट्रोल करना पड़ा। 390 ऐसी बाइक है ना मेरी जान, आप लोग को तो पता ही है, आप बोलोगे भाई पूरे वीडियो में इसकी तारीफ कर रहा है मेरी जान, इतना पसंद आ गया तेरे को भाई, सीरियसली बोल रहा हूँ यार, बहुत ज्यादा पसंद है भाई ये वाली बाइक मेरे को। मेरी ना ड्रीम बाइक है आप लोग को पता ही है,
बट माइलेज इशू के चलते ना भाई अपन इसको परचेस नहीं कर पाए थे। एक टाइम पे मन मना लिया था कि भाई माइलेज कुछ भी रहे हमको लेना है तो लेना है, उसके बाद मेरे को पता चला कि यार अभी तो कॉलेज ज्वाइन करने वाला हूँ तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा माइलेज को लेके। तो मेरे घर से जो कॉलेज है ना भाई वो 13 किलोमीटर की दूरी पे है, तो 13 आने का 13 जाने का 26 किलोमीटर, इसकी जो एक लीटर की मतलब वो माइलेज है ना भाई वो 20 से 22 दे देती है, तो 26 किलोमीटर समझ रहे हो भाई डेली का हम लोगों को जो है एक लीटर पेट्रोल लगता। और अपनी रैप्टोर में जो है ना भाई हम लोगों को एक लीटर पेट्रोल में एटलीस्ट दो बार तो अप डाउन हो ही जाते हैं अपन लोग। तो अपन लोग घूमते फिरते आ गए थे लालबाग, और लालबाग पे इवनिंग के टाइम आप लोग को तो बताया बहुत ज़्यादा रश रहती है। तो गाइस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट अच्छी सी ब्लॉग में, तब तक के लिए वी सेफ एंड राइट सेफ भाई लोग।